Hello guys, I am Abhishek and welcome to our channel Tricky Dose, and I will teach you listening. Hello guys, तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है ब्लड रिलेशन, या इसको रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स भी बोल सकते हो। और तो चलिए करते हैं शुरू। तो करना क्या है, जब भी हमें कोई मेल दिखाई दे तो उसे क्या करना है, एक बॉक्स में बंद कर देना है। और जब भी कोई फीमेल दिखाई दे तब क्या करना है, उसको एक सर्कल में बंद कर देना है। ठीक है, अब मान लेते हैं कोई दो भाई है, ए और बी क्या है, भाई है, ब्रदर्स, ए एंड बी आर ब्रदर्स। तो क्या करना है, ए और बी को बॉक्स में बंद कर दिया, और भाई है तो एक सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया दोनों को। अब मान लेते हैं ए और बी बहन है, दोनों बहनें हैं, तब भी क्या करेंगे, फीमेल है तो ए को भी सर्कल में डाल देंगे, बी को भी सर्कल में डाल देंगे, और एक सिंगल लाइन से कनेक्ट कर देंगे, या सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, और अब देखते हैं, यदि कोई मान लेते हैं ए बी का फादर है या पिता है, तब क्या करना है, तो किसका पिता है, बी का, तो बी क्या है, नीचे आ गया। मान लेते हैं बी मेल है अपना, और ए भी क्या है, इसका पिता है, तो ए भी मेल है। अब जो पिता है तो उसको एक ऊपर भेज देंगे, एक पोर्शन ऊपर भेज देंगे, तो ये क्या हो गया, ए हो गया। अब ए मेल है जो कि पिता है, तो ए भी किस में आ जाएगा, बॉक्स में आ जाएगा। मान लेते हैं ए बी की माता है, तो फिर से वही बी इस बार मान लेते हैं फीमेल है, तो ये अपना बी आ गया। अब ए माता है तो ए फीमेल है, तो ए सर्कल में आ गया फिर से। अब एक जनरेशन ऊपर है इसलिए हमने एक जनरेशन ऊपर भेज दिया इसको। ठीक है, अब इसी में मान लेते हैं कि जो बी है उसका बेटा क्या है, डी है। इसी में मान लेते हैं बी का पुत्र या बेटा कौन है, डी है। तो अब डी क्या आ जाएगा, इसके एक जनरेशन नीचे आ जाएगा, तो डी नीचे आ गया। अब इसी को भी सिंगल बॉन्ड से शो कर देंगे, और चूँकि लड़का है डी तो इसको भी बॉक्स में बंद कर देंगे। ये तो हो गया हमारा सिंगल बॉन्ड से। अब देखते हैं यदि कोई एक्स और वाई मान लेते हैं, जो है हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड और वाइफ है। मान लेते हैं एक्स हस्बैंड है और वाई क्या है, वाइफ है। तो एक्स और वाई वैसे शो करना है, एक्स हस्बैंड है मेल है तो बॉक्स में बंद कर देंगे, वाई फीमेल है तो सर्कल में बंद कर देंगे। अब हमें पता है हस्बैंड वाइफ का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, तो हम इसे डबल बॉन्ड से कनेक्ट कर देंगे। तो चलिए अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं कुछ। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, ए और डी भाई है, मतलब ए एंड बी आर ब्रदर्स, सी एंड डी आर सिस्टर्स, सी और डी है जो बहने हैं। तो जैसे कहते हैं हम वैसे करते जाते हैं पहले। तो मान लेते हैं ए और डी भाई है, तो ये मान लिया ए और ये डी, क्योंकि भाई है दोनों, सॉरी बी, ए और बी दोनों भाई है, तो दोनों को बॉक्स में बंद कर दिया और एक सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, सी और डी बहने हैं, चलो मान लेते हैं यहाँ सी और डी बहने हैं, तो दोनों फीमेल है, तो दोनों को सर्कल में बंद कर दिया और एक सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। अब क्या कह रहे हैं, ए का पुत्र डी का भाई है, ए का पुत्र, अब यहाँ दिया हुआ नहीं है ए का पुत्र कौन है, तो मान लेते हैं ए का पुत्र कौन है, एक्स। अब चूँकि पुत्र है तो मेल है, तो उसको फिर से बॉक्स में बंद कर देंगे। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, ए का पुत्र डी का भाई है, तो ये जो है डी का भाई है, तो डी अपनी फीमेल है, तो ये डी का भाई हो गया एक्स। और सी भी क्या है, डी की बहन है, तो यहाँ अपन सी लिख देंगे, जो क्या है, डी की बहन। अब हमें पूछ कह रहे हैं बी तथा सी में क्या रिश्ता है, बी और सी में क्या बॉन्ड है। देखिए बी और सी चाचा, तो ये क्या हो गया, दोनों भाई है तो चाचा हो सकता है,
अब आगे देखते हैं भाई, चचेरा भाई तो ऑप्शन भी अपना कैंसिल हो गया क्योंकि अलग अलग जनरेशन है तो भाई तो नहीं हो सकता। सी का पिता कौन है? ए है, बी नहीं है तो ये ऑप्शन भी कैंसिल। और मामा, मामा कौन होता है? माता का भाई, लेकिन यहाँ पिता का भाई है तो अपना ऑप्शन डी भी कैंसिल हो गया, तो अपना करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए चाचा। तो चलिए और क्वेश्चंस करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, करते हैं इसे भी, बी ए का भाई है तो ये मान लेते हैं अपना बी किसका भाई है? ए का भाई है, तो बी भाई है तो बी मेल हो गया। ए के बारे में अभी तक अपने को कुछ पता नहीं है तो इसे एक बार ऐसे ही छोड़ देते हैं। बाकी कह रहे हैं सी ए की माँ है, तो ए की मॉम कौन होगी? सी, ये फीमेल है तो सर्कल में बंद कर देंगे। अब डी सी का पिता है, सी का पिता, सी का पिता है तो एक जनरेशन और ऊपर चल जाएगा, वो कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब पिता है तो बॉक्स में बंद हो जाएगा। अब आगे कह रहा है ई डी का पिता है, तो ई फिर से डी का पिता है तो एक जनरेशन और ऊपर चला जाएगा, तो ये अपना आ गया ई ऑप्शन। अब ये भी पिता है तो ये भी बॉक्स में बंद हो गया। तो अब आपसे पूछ कह रहा है बी का डी से क्या संबंध है, मतलब इस बी का इस डी से क्या संबंध है, हमें बताना है। तो दो जनरेशन का गैप आ रहा है, ठीक है। तो अपना ऑप्शन देखिए, ये दादा, बी पोता, सी पुत्री, डी पुत्री, तो ये तो कैंसिल हो गया, पुत्री मतलब डॉटर, तो ये तो ऑप्शन सीधा ही कैंसिल हो गया। अब देखते हैं बी क्या है, पोती भी नहीं हो सकता क्योंकि बी, अब यहाँ ध्यान रखना, यहाँ कन्फ्यूजन होगी बी का डी से क्या संबंध है। जब भी ऐसा पूछा जाए और हमें समझ नहीं आता, मतलब दादा करे या पोता करे, क्योंकि पोती तो हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों मेल है, तो ऑप्शन सी भी कैंसिल हो गया। अब इन दोनों में कन्फ्यूजन है कि कौन सा होएगा, तो हमें करना क्या है, हमें ये लिख देना है बी डी का क्या लगता है, बस यही करना है। जब भी ऐसे पूछे ना बी का डी से क्या संबंध है, तो बी डी का क्या लगता है। अब बी क्या लगता है डी का, तो ये दादा तो नहीं लगता क्योंकि डी तो खुद दादा है, तो बी क्या होएगा, पोता हो गया, तो अपना आंसर भी करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेश अपने आगे बैठी हुई महिला को बताता है कि वह मेरी पत्नी के पति की माँ की बेटी है, तो उस महिला का राजेश से क्या संबंध है। चलिए करते हैं इसको भी, जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे सॉल्व करते जाएंगे। तो क्या कह रहा है, वह मेरी पत्नी, मतलब राजेश की पत्नी, तो मैं मान लेता हूँ ये आर से राजेश को दर्शा दिए एक बार आर से, ठीक है। अब राजेश तो मेल हो गया, राजेश की पत्नी क्या हो जाएगी, फीमेल होएगी, तो इसको डब्ल्यू से एक बार शो कर देते हैं वाइफ से, और हस्बैंड वाइफ है तो डबल बॉन्ड, जैसे कि हमने देखा था अभी। राजेश की पत्नी के पति, पत्नी का पति कौन हो गया, फिर से राजेश हो गया। राजेश अब पति की माँ की बेटी, अब पति, राजेश का पति कौन हो गया, सॉरी राजेश की माँ, मतलब पति की माँ होगी तो राजेश की माँ होगी, तो इसको भी माँ को एम से शो कर देते हैं। माँ की बेटी मतलब इस माँ की कोई बेटी भी है, तो इसको किससे शो कर सकते हैं, बेटी है तो एक जनरेशन नीचे आएगी, तो बेटी एक्स मान लेते हैं, एक्स बेटी है तो ये होगी एक्स। तो उस महिला का राजेश से क्या संबंध है, मतलब एक्स का आर से क्या संबंध है। अब ये राजेश की माँ है और ये राजेश की बेटी है, तो दोनों क्या हो गए, आपस में भाई बहन हो गए, एक बॉन्ड से कनेक्ट हो जाएंगे, तो पुत्री नहीं हो सकती क्योंकि एक ही जनरेशन में साली भी नहीं है। ऑप्शन सी बहन हमारा करेक्ट हो गया। तो चलिए और क्वेश्चंस करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पुत्र है पी का, तो जैसे जैसे बोलते वैसे वैसे करता जाए, पी का पुत्र है तो पी ऊपर आएगा, ए नीचे आएगा, ए पुत्र है, ए मेल है, तो इसको किस में कर देंगे, बॉक्स में बंद कर देंगे। बाकी क्या कह रहे हैं, डी पुत्री है ए की, मतलब डी जो है वो ए की पुत्री है, तो एक जनरेशन फिर से डी नीचे आ जाएगा। अब पुत्री है तो फीमेल होगी, फीमेल होगी तो सर्कल में बंद कर देंगे। अब ई जो है वो कौन है, बुआ है डी की। अब बुआ किसे कहते हैं, पिता की बहन को बुआ कहते हैं, तो ए की बहन कौन होगी, ई हो गई। अब बहन है तो फीमेल है, और फीमेल है तो फिर से सर्कल में बंद। अब आगे क्या कह रहे हैं, सी पुत्र है ई का, अब ई का पुत्र कौन हो गया, सी। अब पुत्र है तो मेल है, और मेल है तो फिर से बॉक्स में बंद कर देंगे। अब पूछ कह रहे हैं सी क्या लगेगा, ए का, सी ए का क्या लगेगा। अब सी की माता कौन है,
सी की माता का भाई क्या हो गया मामा, तो ए क्या हो गया मामा। और क्या पूछ रहे, सी क्या लगेगा ए का, तो ए का सी क्या लगता है तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनम और प्रीति बहनें हैं, तो बना लेते हैं सोनम और प्रीति बहनें, ये हमने बना ली सोनम और ये बना ली प्रीति, क्योंकि दोनों फीमेल है तो दोनों को सर्कल में और दोनों बहनें तो सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर देंगे। अब विलास प्रीति का पति है, प्रीति का हस्बैंड है विलास, तो वी से विलास हो गया। अब हस्बैंड है मेल है तो बॉक्स में, और हस्बैंड है तो डबल बॉन्ड से कनेक्ट कर देंगे। अब आगे क्या कह रहे हैं, महेश सोनम का पिता है, अब सोनम का पिता कौन है महेश, तो एक जनरेशन ऊपर चला जाएगा पिता है तो, और अब पिता का नाम क्या है महेश, तो एम से डिनोट कर देते हैं और मेल है तो बॉक्स में बंद कर देते हैं। अब क्या कह रहे हैं, कुसुम विलास की पुत्री है, पुत्री मतलब डॉटर, तो कौन है कुसुम, किसकी पुत्री है विलास की, तो एक जनरेशन नीचे आ गई, अब ये क्या हो जाएगी फीमेल। तो महेश कुसुम से किस प्रकार संबंधित है, ये इससे किस प्रकार रिलेटेड है, अंकल नहीं हो सकता क्योंकि दो जनरेशन का गैप आ गया तो अंकल कैंसिल, पिता भी नहीं हो सकता क्योंकि फिर से दो जनरेशन है तो ये ऑप्शन भी कैंसिल, और पुत्र भी नहीं हो सकता फिर से दो जनरेशन का गैप है तो ऑप्शन थर्ड भी कैंसिल, अपना ऑप्शन फोर ग्रैंडफादर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और कल इससे रिलेटेड और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।